नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ये है सल्तनतकालीन लैंडमार्क, जो कि लैंडमार्क का दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे सल्तनत काल और मध्य काल, जो कि उसके अंतर्गत सल्तनत काल और मुगल काल आते हैं और उसके बाद आधुनिक काल के बाद की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत सल्तनत काल के जो लैंडमार्क है वो कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो ये है कि हिंदू स्थापत्य शैली और मुस्लिम स्थापत्य शैली के मिश्रित रूप से एक शैली बनी जिसका नाम है इंडो इस्लामिक शैली, और ये सल्तनत काल की विशेषता है। इस शैली की विशेषता क्या रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हिंदू शैली की क्या विशेषता थी और मुस्लिम शैली की क्या विशेषता थी। फिर उन दोनों से मिलकर जो नई शैली बनी वो थी इंडो इस्लामिक शैली। तो हिंदू शैली में इस तरीके के मंदिर होते थे, उस पर छज्जे होते थे, ये देख सकते हैं आप छज्जे और कोष्ठक, ये आप कोष्ठक देख सकते हैं, और स्तंभ, और इसमें स्तंभ होते थे। तो ये इसकी विशेषता थी। इसमें क्या होता था, मुस्लिम काल में जो शैली में होते थे वो मीनार बनाई जाती, उस पर मेहराब, ये मेहराब आप देख सकते हैं, इस तरीके का द्वार बनाया जाता, ये मेहराब कहलाता था, और उस पर गुबंद होते थे। तो ये क्या है, गुबंद भी होते थे इस तरीके के। फिर इसमें निर्माण सामग्री में कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था हिंदू शैली में, बड़े बड़े पत्थरों का, और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर व गारा चूना का, टाइल्स का प्रयोग करके बनाए जाते थे। और अलंकरण में यहाँ पर अपने हिंदू शैली में देवी देवताओं की मूर्तियाँ और अप्सराओं की मूर्तियाँ, फल फूल पत्ते बेल बूटे इत्यादि, घंटियाँ, ये सब बनाए जाते थे सजावट के लिए, जैसे स्तंभों में इस तरीके से डिजाइन वगैरह बने जाते, वो अलंकरण कहलाता था। फिर मुस्लिम शैली में अलंकरण में कुरान की आयतें लिखी जाती थी और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती, कुरान की आयतें लिखी जाती थी और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो ये इस तरीके से इन दोनों का मिश्रित रूप जो बना वो बना इंडो इस्लामिक शैली। ये इस सल्तनत काल की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। और इन सब में मैंने आपको और भी विशेषता बता दी कि गुबंद होगा और मीनार होगी, छोटे छोटे जो पत्थर है उनका इस्तेमाल करके बनाई जाएंगी मीनारें, और अलंकरण में कुरान की आयतें वगैरह ये सब मिक्स रूप में इस्तेमाल किया जाता था इस काल में। फिर इस काल में एक और शैली हुई जिसका नाम है अरबस शैली, हिंदू व मुस्लिम शैली के अलंकरण की मिश्रित शैली, यानी कि जो अलंकरण है इन दोनों का मिश्रण से जो नई शैली बनी, जो कौन सी थी, अरबस्क शैली। सल्तनत काल में बहुत से वंश हुए जिसमें ममलुक वंश पहला आता है और उसका शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था और ये सल्तनत काल की प्रथम इमारत है, और इसका निर्माण जो है 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, और मैं वही महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क है वही करवाऊंगा जो आपकी वीडियो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है आगे कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार का देखें तो कुतुब मीनार भी बहुत ही हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रही है, तो इसकी भी पूरी पूरी संभावना है, तो आपको विशेष ध्यान देना इन पर कि कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण जो आप देख सकते हैं 1199 ईस्वी में कुवतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में करवाया था। ये मस्जिद का परिसर है, उसी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, और इसकी 3 जो मीनार हैं वो लाल बलुआ पत्थर की, और 2 मीनार कौन सी है, संगमरमर से बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली इमारत ये ऐबक ने बनवाई थी, और दूसरी तीसरी चौथी ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और चौथी और पाँचवीं ये फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। तो इस तरीके से 5 मीनारें बनाई थी जो कि कुवतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में बनाई थी। फिर उसके बाद ऐबक ने और कौन सी मीनार का जो निर्माण करा था, वो था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो कि अजमेर में है। और इसके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक पीर हुआ करते थे, उनका ढाई दिन का उर्स लगता है इसलिए। फिर है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश आए, इनके बाद शासक हुए और उन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, और ये भारत का पहला मकबरा है, और इसी के कारण इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। और ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये इन्होंने अपने पुत्र की याद में बनवाया था, इनके पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन, और उसी की याद में इल्तुतमिश ने ये मकबरा बनवाया था। तो ये भी मकबरा जो है ये 1231 में कुतुब मीनार के निकट बना हुआ है। तो ऐबक ने जितनी भी मीनारें बनाई है सब, मतलब आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और कुतुब मीनार, ये सारे एक ही परिसर में है, एक ही जगह पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने और किन चीज़ों का निर्माण करवाया, तो वह था कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, वैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि उसने जो मीनारें हैं, मंजिलें हैं, वो इस प्रकार से बनाई थी, दूसरी और तीसरी चौथी मंजिल इसने बनाई थी। फिर उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करा है, उसके बाद एक अतारकिन का दरवाज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अतारकिन का दरवाज़ा जो कि नागौर में बनाया है, ये उन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में बनाया था,
और फिर उसके बाद आती है गंदक बावड़ी। ये एक बावड़ी है, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। लेकिन आपको इल्तुतमिश वाले में आपको मेन यही याद रखना है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और अतारकिन का दरवाज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर शासक हुए बलबन, और बलबन ने बनाया लाल महल और दूसरी मीनार। ये आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको विशेष इस पर ध्यान देना है कि बलबन का मकबरा, और ये मकबरा जो है प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मकबरा है। आपको याद रखना है प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित, जो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ उसको आपको गौर करना है। और ये सवाल यहाँ पर बनता है कि प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली से में निर्मित मकबरा कौन सा है, तो वो है बलबन का मकबरा। फिर आगे आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश हुआ, और खिलजी वंश में इमारतों पर अत्यधिक सुंदर अलंकरण किया गया। अब सुंदर अलंकरण का कार्य कब किया जाएगा, जब कोई वंश अधिक धनाढ्य होगा, यानी उनके पास धन संपत्ति ज़्यादा होगी। तो खिलजियों के पास में धन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सुंदरता पर ध्यान दिया, तो उन्होंने सुंदर अलंकरण वगैरह करवाए। और ये खिलजी शासकों की सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वो अलंकरण कर पाएंगे, क्योंकि अलंकरण के लिए पैसे लगते हैं। फिर आता है उनका शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उन्होंने जो महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क बनाए हैं वो कौन कौन से है, वो एक नॉन अगर आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी ये है अलाई दरवाजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट होने का ये राज है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित प्रथम गुंबद इस अलाई दरवाजा में, जो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रथम निर्मित जो गुंबद था ये इसी इमारत में देखने को मिलता है। फिर जमात खाना मस्जिद, ये शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित। अब आप इसके चित्र देखना चाहें तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है ये मीनार जो है, ये अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आप देख सकते हैं इसके जस्ट पीछे है कुतुब मीनार। तो ये जितनी भी सारी इमारतें हैं, लगभग लगभग 7-8 महत्वपूर्ण इमारतें हैं, वो सारी यहीं पर निकट निकट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कुतुब मीनार है, और उसके पास में आप जस्ट देख सकते हैं कुवतुल इस्लाम मस्जिद है। मस्जिद का मेहराब है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेहराब, ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद का मेहराब है। और ये जो आप देख रहे हो कुतुब मीनार है, आप देख सकते हैं ये जो पहली इमारत ये ऐबक ने बनवाई थी, ये दूसरी, तीसरी और चौथी ये इल्तुतमिश ने बनवाई, और चौथी और पाँचवीं ये जो है फिरोज़ तुगलक ने बनवाई थी। हुआ क्या था कि जब भूकंप वगैरह आए थे तो यहाँ पर चौथी और पाँचवीं मंजिल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गए थे, वापस इसको पुनर्निर्माण करवाया था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश के एक और शासक हुए, उनका नाम था मुबारक खिलजी। उनके द्वारा जो है उखा मस्जिद बनाई गई, आप देख सकते हैं उखा मस्जिद बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी, बयाना, ये भरतपुर में आया हुआ है। और ये था क्या, ये पहले एक मंदिर था जिसका नाम हुआ करता था उषा मंदिर, और उसी को मुबारक खिलजी ने बदल कर क्या कर दिया, उखा मस्जिद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये खिलजी वंश के जो लैंडमार्क है ये समाप्त हो गए। अब आगे हैं जो, वह किस वंश के हैं, वह है तुगलक वंश के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तुगलक काल में पैसा की आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे, तो उन्होंने मजबूती पर ही ध्यान दिया, क्योंकि उस समय आक्रमण भी ज़्यादा हुए थे। तुगलककालीन इमारतों में मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया, और सादगी, आप लिख सकते हैं सादगी, और सादगी और कठोरता व मजबूती पर ध्यान दिया गया, वो आपने पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं, मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया। और इन इमारतों पर अलंकरण का अभाव था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे नहीं होंगे तो अलंकरण कहाँ से करेंगे। फिर तुगलक वंश के शासक हुए गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन ने दो इमारतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वो हैं, पहली है तुगलकाबाद जो कि दिल्ली का तीसरा नगर है, इसे तीसरी दिल्ली भी कहते हैं। फिर बनाए एक तुगलकाबाद का किला, तो याद रखने में बहुत ही आसानी रहेगी, तुगलकाबाद और तुगलकाबाद का किला। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इस किले के 52 द्वार हैं, और इसे 56 कोट का किला भी कहा जाता है। तो 56 कोट का किला किसने बनवाया था, तो तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अब तुगलक वंश की एक और विशेषता है कि सलामी शैली क्या होती है, जो दीवारें होती ना, ये दीवारें एकदम सीधी ना होकर के ऐसे ढाल होती हैं, इस तरीके की दीवारें, यही है सलामी शैली। और सलामी शैली में बनाया गया जो रोमन शैली से प्रभावित है, ये रोमन शैली से भी प्रभावित है, आप देख सकते हैं इसे ढलवा दीवार है। फिर है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इस मकबरे की बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि
ये जो मकबरा है ये कृत्रिम झील में बना हुआ है, और कृत्रिम झील में बना हुआ है उसके साथ ही ये मकबरा होते हुए इस पर हिंदू प्रभाव है। हिंदू प्रभाव कैसे है, तो इसके जो शीर्ष पर कलश और आमलक बने हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ पर, उसकी विशेषता। जो भी आपको 3-4 पॉइंट दे देंगे, तो ये कृत्रिम झील में बना हुआ है, हिंदू प्रभाव है, हिंदू प्रभाव कैसे है, कलश और आमलक बने हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और शासक हुए थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ एक जो इमारतें हैं महत्वपूर्ण उनका निर्माण करा है, वो था जहाँपना जो कि फोर्थ दिल्ली, और उसके बाद उन्होंने बनाया था आदिलाबाद का किला, उन्होंने बनाया था तुगलकाबाद का किला, इन्होंने बनाया आदिलाबाद का किला। फिर है एक बारह खंबा। बारह खंबा क्या है, इसे धर्मनिरपेक्ष की इमारत भी कहा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगा। तो यहाँ पर बारह खंबा ये हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये आपको पढ़ना है बस। फिर उसके बाद आते हैं शासक हुए थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या कराया कि एक आपको पता है कि फिरोज शाह कोटला, आप देखते होंगे आप दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, तो फिरोज शाह कोटला ने जो दिल्ली है उसका नाम ये था, फिरोज शाह कोटला के नाम से 5th दिल्ली बसाई थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते और क्या क्या जो इमारतें हैं वो फिरोज तुगलक ने बनवाई। फिरोज़ तुगलक ने बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण करा, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद। अब मस्जिदों के बारे में जब जितने भी ऊटपटांग से नाम आपको दिखे या फिर जो भी मस्जिदों के नाम आपको ज़्यादा नाम दिखे, तो वो सब फिरोज़ तुगलक के काल में बनी थी। तो बेगमपुरी, काली मस्जिद, कला मस्जिद जो कि 2 मंजिला हैं, कुश के शिकार महल, और कुश के शिकार महल हैं, इसके समय को आप देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है, इसके समय को मस्जिदों का काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल का लैंडमार्क, खाने जा तेलंगानी। इन्होंने इनका जो मकबरा है ये इनके द्वारा बनवाया गया, ये भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। अष्टकोणीय कैसे, इस तरीके से। कितने कोण हुए ऐसे आप गिन सकते हो, ये इस तरीके से 8 कोण हुए, तो इसे अष्टकोणीय मकबरा कहा जाता है। इसका निर्माण जो है जौना खां ने करवाया था। जौना खां कौन थे, पुत्र थे, इनके द्वारा कराया गया। अशोक का टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली स्थापित करवाया, किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिर आगे बढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये जो है तुगलक वंश के सबसे अंतिम शासक जो है, इन्होंने जो इमारत बनाई थी वो था कबीरुद्दीन ओलिया का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण आरंभ हुआ, और इसे लाल गुंबद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इतना कोई खास बात नहीं, आप तो बस यही याद रखना खाने जा तेलंगानी का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सैयद वंश पर, और सैयद वंश की इमारतों को देखें तो सैयद वंश के और लोधी वंश के काल को जो है मकबरों का काल कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का मस्जिदों का काल, और सैयद वंश और लोधी वंश का काल मकबरों का काल। मकबरों का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मकबरों का निर्माण ज़्यादा करवाया होगा। फिर खिजर का, खिजर का हुए जो खिजर का खिजराबाद बसाया, और मुबारक शाह ने मुबारकबाद। बस इनके लिए बस ये 2 ही चीज़ें थी जो आपको, इतना ज़्यादा गौर करने की बात नहीं, मैंने सब करवा रहा हूँ बस आपके लिए ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। फिर है लोधी वंश। लोधी वंश में अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एक तो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने बलो लोधी के मकबरे का निर्माण करा, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद रखना ही रखना है। इसका निर्माण सिकंदर लोधी ने के सेनापति हुआ करते, उनका नाम था मियाँ बुआ, और मियाँ बुआ ने इसका निर्माण कराया था 1505 में। 1505 में इसका निर्माण कराया था, ये आप देख सकते हैं 1505 में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है सिकंदर लोधी का मकबरा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासक हुए, उन्होंने सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण तो करवाया, और जो कि प्रथम इस्लाम जहां दौरे गुबंद का निर्माण किया गया, ये जो था इसका दौरा गुबंद इसमें बनाया गया था, जो कि प्रथम इस्लाम की इमारत थी जो दौरे गुबंद द्वारा बनी हुई थी। इस काल में जैसे ही आपको पता ही है कि ये मकबरों का काल है, तो बहुत सारे बड़े खां का, छोटे खां का, दादी का, पोती का मकबरा, ये सब थे। फिर आगे बढ़ते, अब नया वंश शुरू होता है, उसकी कुछ विशेषताएँ वो हैं मुगल वंश, और मुगल वंश के इमारतों की विशेषता आप देख सकते हैं, ये रही क्या है, इसमें चार भाग। चार भाग क्या होता है कि किसी मकबरा या इमारत का प्राचीर में चारों ओर से समान दूरी के मध्य स्थित होना, ये जो भी मीनार होगी ये बीचों बीच होगी और चारों दीवारों से समान दूरी पर होगी, तो ये है चार भाग शैली। और एक है पित्रा ड्यूरा। पित्रा ड्यूरा क्या होती है कि उत्कीर्णित जो संगमरमर की इमारत होती है, संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन और ठोस। आप ताजमहल का इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका काम किया कि छोटे छोटे रंगीन पत्थर और कांच वगैरह जो इसके दबा कर इसको अलंकरण में प्रस्तुत किया गया, वो हम आगे ताजमहल का चित्र बताकर आपको बताएंगे।
फिर आप देख सकते हैं सल्तनतकालीन मूर्तिकला। तो सल्तनतकालीन मूर्तिकला, शासकों ने मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि पूर्व निर्मित मूर्तियों को ध्वस्त भी कर दिया गया था। इसका कारण ये भी रहा था कि मुस्लिम मूर्तिकला को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते थे क्योंकि वो धर्म के खिलाफ मानते थे इसको। फिर है किंतु फिर भी इस काल में विजयनगर जो साम्राज्य दक्षिण में हुआ करता था, इसमें सुंदर और आकर्षक मूर्तियाँ बन रही थी। फिर सल्तनत काल में धातुकला को प्रोत्साहन दिया। और धातुकला को आपको यही याद रखना है कि दिल्ली और लखनऊ इस क्षेत्र में अग्रणी थे। ये दो प्रमुख केंद्र थे सल्तनतकालीन धातुकला के। अब आप मुगल काल में देख सकते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम प्रभाव था और इस पर तुरानी, ईरानी, ट्रांस ऑक्सिलिस और सल्तनतकालीन सभी भारतीय तत्वों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पर इसमें ईरानी प्रभाव, सभी प्रभाव देखने को स्पष्ट रूप से मिलते हैं। और विशेषता क्या रही, खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर के तीनों का इस्तेमाल किया गया। तो आपको याद रखना कौन से, लाल बलुआ, खुरदरे और संगमरमर का तीनों का इस्तेमाल किया गया। और मुगल वास्तुकला के जो लैंडमार्क हुए, इसमें मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम होगी। जैसे कि एक किला बनाया जाए, उसमें उसके दूर मील तक जो है घेरा बनाया जाता, दीवार ऐसी बनाई जाती थी। और भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके के मेहराब बनाए जाते थे, रंगीन और घुमावदार। देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं एकदम घुमावदार, ये यहाँ से मोड़ आ गया इस तरीके से। अब आप बाबर के समय की बात करें तो बाबर जो प्रमुख और प्रथम जो शासक हुए थे, उन्होंने पानीपत की ईंटों की मस्जिद बनाई और संभल में जमयत खाना मस्जिद जो बनाई थी, जामी मस्जिद, और जिसे काबुली बाग मस्जिद भी कहा जाता है। और उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं आराम बाग, ये बाबर को आराम के लिए आरंभ में जो यहीं पर दफनाया गया था। फिर उसको एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मीर बांकी द्वारा अयोध्या मस्जिद का निर्माण करा, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अकबर जो शासक हुआ था वो बहुत ही प्रमुख शासक हुआ था और उसके द्वारा जो उसके काल में जो लैंडमार्क हुए बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। और वो कौन से है आपको याद रखना है, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है और 1570 में इसका निर्माण कर दिया। इसका निर्माण जो है हमीदा बेगम ने करवाया था। हमीदा बेगम कौन थी, अकबर की माँ थी और उसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया। वास्तुकार कौन हुए इसके, तो आपको यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखी वो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके वास्तुकार हुए मिर्ज़ा ग्यास बेग जो कि फारसी वास्तुकार थे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर दिया। इसकी विशेषता क्या क्या है, एक तो चार बाग शैली, वो मैंने आपको पहले बताया चार बाग कैसे, फिर चार दीवारी, सममिति, दौरा गुबंद। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाते हैं जिसके कारण हुमायूं का मकबरा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मुगलकालीन प्रथम इमारत थी, किसकालीन, मुगलकालीन प्रथम इमारत जिस पर दौरे गुबंद का निर्माण किया गया। और ये जो दौरे गुबंद का निर्माण भी किया गया और ये लाल बलुआ पत्थर का भी इसमें प्रयोग हुआ और फारसी स्थापत्य का प्रभाव था। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दौरा गुबंद कैसे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक और एक दो दौरा गुबंद। फिर उसके बाद है फतेहपुर सीकरी, अकबर का फतेहपुर सीकरी जो महल बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अकबर के द्वारा जितनी भी मीनारें बनाई गई थी उसके बारे में आपको ध्यान से याद रखना है। वास्तुकार कौन हुए, बहाउद्दीन, और उसके वास्तुकार कौन हुए, मिर्ज़ा ग्यास बेग, ये आप देख सकते हैं मिर्ज़ा ग्यास बेग, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर दीवाने आम, महत्वपूर्ण इमारतें कौन कौन सी है फतेहपुर सीकरी की, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल। फिर है ज्योतिष की छतरी और पंचमहल। पंचमहल क्यों कहा जाता है, ये पांच मंजिला है और पिरामिड के आकार का है। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये अकबर के द्वारा निर्मित ये इमारत बौद्ध विहार की तरह है, बौद्ध विहार की तरह है। और मुगल स्थापत्य कला का रत्न भी इसे परसी ब्राउन ने कहा था। फिर उसके बाद आता है तुर्की सुल्ताना की कोटी या महल। सीकरी का जो है सबसे सुंदरतम अलंकरण का कार्य इसी पर किया गया है। इस पर सुंदर अलंकरण का कार्य कैसे किया, तो जो लकड़ी पर नकाशी का कार्य होता है और वो वुड कार्विंग कहलाती है, इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और वुड कार्विंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, बाड़मेर में की जाती है, अभी आप देख सकते हैं। और कौन कौन सी मीनारें हैं जो फतेहपुर सीकरी में, वो है मरियम उस्मानी का मकबरा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषताएँ यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं। फिर है बीरबल का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू प्रभाव है इस पर। फिर है जोधाबाई जो सीकरी के साई महलों परिसर की सबसे बड़ी इमारत है, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो है जोधाबाई का महल है। और उपरोक्त सभी इमारतें जो एक ही परिसर में बनी हुई है और इनका निर्माण किस पत्थर से हुआ, लाल बलुआ पत्थर से। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मस्जिद के बारे में अकबर की काल की कोई आ सकती है तो वो ये आ सकती है, जामा मस्जिद, जो फतेहपुर सीकरी का गौरव कहलाता है। और ये इसकी खासियत ये है कि इसको जो दरवाज़ा है वो बुलंद दरवाज़ा है, ये इसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, जो कि गुजरात से 1573 में अकबर द्वारा विजय करके लाया गया था। इसके सूफी संत हुए थे जो शेख सलीम चिश्ती और उनकी दरगाह है। इसमें इस्लाम शाह सुर की कब्र भी है और अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म की स्थापना की थी उसकी घोषणा भी इसी मस्जिद से की थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है हिरण मीनार। हिरण मीनार क्या है? एक तरह का हाथी स्मारक है, आपको इतना याद रखना जरूरी है। आप तो ये याद करो, फतेहपुर सीकरी के महल करो और हुमायूं का मकबरा। फिर आप देखना चाहें तो आगरा का किला भी देख सकते हैं, इसकी भी थोड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाती है क्योंकि ये बादलगढ़ के खंडरों पर तो करवाया गया था, लेकिन इसके जो गेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो गेट हैं, अमर सिंह गेट और दिल्ली गेट, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है जहांगीर, और जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा बनवाया। जहांगीर ने कहाँ पर बनाया? सिकंदरा में बनवाया। ये गुबंद विहीन इमारत है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अकबर का जो मकबरा है ये गुबंद विहीन है, इस पर गुबंद है ही नहीं, और ये 5 मंजिला है और इसमें मीनार का निर्माण किया गया है। फिर आता है अनारकली, आपको पता ही है जहांगीर की जो नर्तकी जो थी उनके दरबार में, वो उसका नाम था अनारकली, जो उसका मकबरा जो लाहौर में बना है। फिर उसके बाद है मरियम उजमानी का मकबरा, ये सिकंदरा में है। तो ये इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप ये याद करना है एतमादुल्ला का मकबरा 1626 में आगरा में स्थित है। एतमादुल्ला कौन थे? ये थे जो असमत बेगम की कब्र थी वो भी यहीं पर थी। जो एतमादुल्ला कौन थे? ये थे मुमताज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो जहांगीर की पत्नी थी उनका नाम था नूरजहाँ, और नूरजहाँ की ये पिताजी हुआ करते थे एतमादुल्ला और असमत बेगम। फिर ये आगरा में स्थित है और इस पर पित्रा द्यूरा का काम किया गया है। किसका काम किया? पित्रा द्यूरा। पित्रा द्यूरा क्या है? ये एक यूरोप की एक शैली है जो बहुत ही महंगी है, और इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। किसे कहते हैं बेबी ताज? एतमादुल्ला का मकबरा। और मुगल काल की पहली इमारत जो संगमरमर की बनी हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुगल काल की पहली इमारत जो संगमरमर की बनी हुई है। फिर आ जाते हैं शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ का काल जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसकी जो विशेषता है पर्णिल मेहराब, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का मेहराब होता है, पर्णिल कहलाता है, और अलंकृत मेहराब इस तरीके का मेहराब अलंकृत होता है। इसके बाद जस्ट आ जाता है फिर ताजमहल। ताजमहल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिंदू इस्लामिक दोनों का शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और इसके जो इतिहासकार के अनुसार एरोजी और वेरोजियो ने इसके वास्तुकार, लेकिन इसके वास्तुकार कौन माने जाते हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसके जैसे ही वास्तुकार का नाम आए आपको याद रखना है उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार है, और ईसा खां जो थे वो प्रधान शिल्पी थे और उनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। तो अभी जो पिछला एग्ज़ाम था वीडियो प्री का, और उस एग्ज़ाम में ये पूछा था ईसा खां वाला, उसमें ईसा खां को माना गया था क्योंकि ये प्रधान शिल्पी थे इसलिए। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर भी चार बैग, चार दीवारी, सममिति और आधार में मोस्ट इंपोर्टेंट आधार में कुआ, और कंदाकार द्वारा गुबंद, और इस पर पित्रा द्यूरा का काम किया गया। और जो जालियाँ हैं वो कैसी है? संगमरमर की। अब आप और भी जानना चाहते हो, 32 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 54 में तैयार हुआ, तो इसको समय कितना लगा? 22 साल लगे। और इसकी जो मुख्य इमारत है वो अष्टभुजाकार है, 8 भुजाओं की है, और इसमें मुमताज और शाहजहाँ की कब्रें हैं, और मकराना से इस संगमरमर को लाया गया था। फिर उसके बाद है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट इतना खास नहीं माना जाएगा, आप तो बस ताजमहल याद रखना क्योंकि ताजमहल अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है। फिर उसके बाद आना है आपको दिल्ली का किला। दिल्ली का किला जो भी इनके समय बना है, ये पश्चिमी द्वार, इसके भी दो द्वार हैं, पश्चिमी और पूर्वी। आप वैसे ही देख सकते हैं पश्चिम में हमारे इंडिया में क्या पड़ता है, लाहौर पड़ता है, तो लाहौर दरवाज़ा, और पूर्व में आप देखें तो क्या पड़ता है? दिल्ली दरवाज़ा बस। और 1938 में इसका इसे बनाना प्रारंभ किया, 1958 में पूर्ण हुआ। और इसके वास्तुकार कौन है? मैन तो आपको वास्तुकार याद रखना है, वास्तुकार कौन है इसका? हमीद अहमद, हमीर और हमीद और अहमद, ये दो थे जो इसके वास्तुकार हैं, हमीद व अहमद। फिर आता है औरंगजेब, जो कि अंतिम शक्तिशाली शासक कह सकते हो आप, और इसके द्वारा जो बनाया गया था इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बीबी का मकबरा वो कहाँ पर है? वो औरंगाबाद में है, और इसे नकली ताजमहल कहा जाता है। नकली ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ताजमहल की नकल की गई है, और इसे दक्षिण में बनाया गया। ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है और ये दक्षिण में आया, इसलिए इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। और ये है क्या? ये रबिया उद दुरानी का मकबरा है। और रबिया उद दुरानी थी कौन? ये थी औरंगजेब की पत्नी, ये उनका मकबरा है। इसके वास्तुकार कौन थे? अताउल्ला, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अता
अताउल्ला थे वो इसके वास्तुकार थे। अभी अताउल्ला थे कौन, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे उनके ही पुत्र हैं, तो उनके द्वारा ये बनाया गया। फिर सफदर जंग का मकबरा, इसे तीरा गुबंद है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको तो बस ये याद करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अब आप देखना चाह देख सकते हैं ये जो है एतमादुल्ला का मकबरा है और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और ये जो है हुमायूं का मकबरा है, इस तरीके का है बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस पर जो ये गुंबद है ये बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। और इसी के पास में आप देख सकते हैं ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये फ़तेहपुर सीकरी का है इसलिए इसे बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये आप मैंने सिर्फ स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको साथ लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार देखने की और कहीं घूमने की ज़रूरत ना पड़े। ये ताजमहल, ताजमहल आप देख सकते हैं आपके सबके, देखो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ कि पित्रा द्यूरा जो है आपको मैं एक पिक्चर के द्वारा बता देता हूँ कैसी होती है। ये कुछ इस तरीके की होती है पित्रा द्यूरा का कार्य, आप देख सकते हैं ये है पित्रा द्यूरा का कार्य। ये बहुत रंगीन छोटे छोटे यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर की नक्काशी वगैरह कर रखी है और ये कुरान की आयतें वगैरह लिखी रहती है, तो ये है पित्रा द्यूरा। अब आप आधुनिक काल के जो लैंडमार्क है वो भी आप देख सकते हैं कि इसकी वास्तुकला में क्या है। पहला जो आए थे पुर्तगाली भारत में आए थे और उन्हीं के द्वारा, पहले आते आधुनिक काल में पुर्तगाली, और पुर्तगाली का प्रभाव क्या था कि पुर्तगालियों ने वास्तुकला की कौन सी शैली लेकर आए अपने साथ में, आइबेरियन शैली। और आइबेरियन शैली होती क्या है, आइबेरियन शैली में आंगन ग्रह बना होता है और इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है बैरोक चर्च। बैरोक चर्च एक शैली है और ये चर्च बनाए जाते हैं बैरोक शैली में। प्रारंभिक पुर्तगाली वास्तुकला में जो व्यापारिक ठिकाने बनाने की रही थी, क्योंकि उसके लिए पहले राजनीतिक वगैरह इतनी वो शक्ति का विस्तार नहीं हुआ था, तो व्यापार के लिए उद्देश्य से ही व्यापारिक ठिकाना और गोदामों का निर्माण हुआ। उन्होंने चर्च के निर्माण में बैरोक शैली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और सर्वाधिक उदाहरण बैरोक शैली के जो चर्च बनाए कहाँ पर, गोवा में। और चर्च की इसलिए बैरोक शैली किस लिए, चर्च की जो शक्ति थी पावर, जैसे हम कहते हैं अभी पॉलिटिकल पावर, तो उसी तरीके से अपने पावर को, शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये बनाया था। और कब बनाया था, 16वीं शताब्दी में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। अब बैरोक शैली की कुछ और विशेषता क्या है, इस शैली में जो अलंकृत सुविस्तारित व नाटकीय प्रभाव बनाने के लिए अभिव्यक्त किया जाता है, इसको इस अच्छे तरीके से बनाया कि भारतीय इसको देखकर इसके इस्लाम जो ईसाई धर्म थे उसके प्रति आकर्षित हुए और लोग इस्लाम ग्रहण करने लगे। अब बैरोक शैली के आप उदाहरण भी देख सकते हैं, पहला उदाहरण है सेंट कैथेड्रल चर्च जो कि गोवा में स्थित है, ये 1619 में बना था और इसमें एक विशाल घंटा बना हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर ये विशाल घंटा बना हुआ है जिसे गोल्डन बेल भी कहते हैं। कहाँ पर है ये, गोवा में है। गोवा में कौन से चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च, तो वहाँ पर ये बना हुआ है। फिर है बोम जीजस की बासिलिका, पवित्र शिशु, ये इसे पवित्र शिशु भी कहते हैं। ये बोम जीजस की बासिलिका जो है इस नाम से इसे पवित्र शिशु भी कहते हैं और ये यूनेस्को में शामिल है और ये गोवा में स्थित है और 1604 में बना। और इसमें जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है इसका शरीर रखा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो इमारतें हैं, आप बस इसको रट लेना। आप देखना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है सेंट कैथेड्रल चर्च है और ये आप देख सकते हैं इस तरीके के जो छत बने हुए थे और पास में आप इमारत देख सकते हैं इस तरीके की खड़ी इमारतें और ये गेट इस तरीके के। तो ये जो थे ये कौन सी है, बैरोक शैली। और ये दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, ये जो है बासिलिका ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस, तो इसके दोनों के मैंने आपको चित्र भी बता दिए ताकि आपके माइंड में ये सेट रहे। फिर पुर्तगालियों के बाद में आए फ्रांसीसी प्रभाव, फ्रांसीसी आए तो उन्हीं के द्वारा भी कुछ इमारतें बनाई और उनका प्रभाव किस तरीके का था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आधुनिक भारत में प्रथम नगर निर्माण की जो व्यवस्था थी वो लेकर आए। और शहरी योजना की अवधारणा कौन लेकर आए, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी शहरों में कौन से दो या दो प्रमुख शहर है जो इन्होंने बसाए थे, वो थे पुडुचेरी और चंद्रनगर। ये फ्रांसीसी द्वारा बसाए गए शहर हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है और पुदुचेरी दक्षिण में आया हुआ है। और अन्य शहरों में आप देखें तो माए, करेकल, यनम। और इसके बारे में आप जब 1954 में जब फ्रांसीसियों के प्रभाव से ये क्षेत्र भारत के अंडर में आए थे तो ये बहुत ही सुर्खियों में रहे थे, तो ये वही नगर हैं जो फ्रांसीसियों से भारत ने लिए थे। फिर आता है ब्रिटिश स्थापत्य, ब्रिटिश स्थापत्य में कौन सी चीज़ आई, फ्रांसीसी के बाद में जस्ट ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ और ब्रिटिश आ गए। और उनके उनमें जो अंग्रेज अपने साथ वास्तुकला की कौन सी शैली लेकर आए, गौतिक शैली। गौतिक शैली होती क्या थी, इस तरीके के नुकीले मेहराब बनाए जाते थे और खिड़कियां, बड़ी बड़ी खिड़कियां, इस तरीके की बड़ी बड़ी खिड़कियां और बरामदा होता था,
तो ये थी गोथिक शैली। मैं आपको आगे बता देता हूँ कि भारतीय वास्तुकला और गोथिक शैली के मिश्रण से एक नई शैली बनी जिसे इंडो गोथिक शैली कहते हैं। वैसे हम अक्सर ये नाम देखते हैं कि जब इंडिया की और किसी और शैली की होती तो इंडो लग जाता है, का विकास हुआ। और 1911 में जो एक 1911 के बाद भारत में एक और नई शैली बनी वो कौन सी थी, नव रोमन स्थापत्य शैली का विकास हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडो गोथिक शैली क्या हुई। इंडो गोथिक शैली का जो दूसरा नाम है वो विक्टोरिया शैली है। यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही, यहाँ पर आपको एग्जाम में सीधा विक्टोरिया शैली नाम भी मिल सकता है। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे से आ रहे वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो मैंस के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही जानदार और शानदार साबित होने वाली है। फिर इंडो गोथिक शैली क्या है, भारतीय गोथिक और फारसी शैली का मिश्रण है। अब भारतीय होगी और गोथिक भी आ गई और फारसी शैली जो मुस्लिम काल में हुई थी, इन तीनों का जो मिश्रण है वो इंडो गोथिक शैली में स्पष्ट देखने को मिलता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसमें होता क्या था। विशाल निर्माण बनाया जाता था, यानी कि विशाल जो भी स्थापत्य के लिए भवन या वो जो भी बनाया जाता वो बहुत ही विशाल बनाए जाते थे। और इंडो इस्लामिक शैली की तुलना में दीवारें पतली हुआ करती थी, दीवारें पतली हुआ करती, इंडो जो इस्लामिक शैली उसमें दीवारें मोटी हुआ करती थी। और नुकीले मेहराब, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके के नुकीले मेहराब। फिर मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ का इस्तेमाल और ब्रिटेन के उन्नत जो संरचनात्मक और इंजीनियरिंग मानक है उनका पालन किया जाता था। फिर इसमें जो है मकान में स्टील, लोहा, कंक्रीट, गारे का भी प्रयोग किया जाता था। फिर 1911 के बाद जो नई शैली शुरू हुई वो था नव रोमन शैली। और इसके वास्तुकार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट की अभी मैं आपको बताऊंगा। ये है हर्बर्ट बेक और ये है एडविन लुटियन। एडविन लुटियन के साथ भारत के एक जो शिल्पी हुआ करते थे वास्तुकार, जिनका नाम था बालकृष्ण जोशी, तो उनको हाल ही में रॉयल अवार्ड या ऐसा कुछ करके एक अवार्ड दिया गया है, तो उसके कारण ये बहुत ही चर्चा में आ गए थे एडविन लुटियन। और इनके द्वारा किया गया दिल्ली को हिंदुस्तान का रोम कहा जाता है, उनके द्वारा दिल्ली जो एडविन लुटियंस के नाम से एक बड़ी छत्र का जो निर्माण किया गया। इस शैली की विशेषता क्या है, इसमें जो है इमारतों की संरचना कैसी होती हुआ करती थी, गोलाकार और उल्टा गुबंद यहाँ प्राचीन रूप से अंकन किया जाता था। और वास्तुकला की सभी शैलियों का मिश्रण, जैसे कि फारसी वगैरह ये सब। और निर्माण की सादगी, निर्माण में जो सादगी हुआ करती थी, और आधुनिकता और उपयोगिता, जो उपयोगिता होती थी उसी के अनुसार बनाई जाती थी, ये सब उनका ध्यान रखा जाता। इसके उदाहरण संसद भवन 1927 में बना, राष्ट्रपति भवन 1929 में, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी भारत की संसद है जो कि 1921 से 27 में बनकर तैयार हुई। इसका वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर हुआ करते थे। और ये है इंडिया गेट जो आप देख रहे हैं। तो ये था हमारा लैंडमार्क का टॉपिक, और ये लैंडमार्क का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो स्टूडेंट जो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी जानदार और शानदार साबित हो सके। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो युद्ध हैं लैंडमार्क में, युद्ध भी सम्मिलित है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से युद्ध आपको पढ़ने हैं। एक तो है हाइडी स्पीच का, आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं हाइडी स्पीच का युद्ध, सिकंदर, और सिकंदर का जो युद्ध था 305 ईस्वी का वो युद्ध। फिर आप जो जो हिस्ट्री में मोड़ लेकर आए वो सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री में मोड़ कौन कौन से लेकर आए, तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा, पानीपत का तीसरा, फिर तराइन का पहला, तराइन का दूसरा, खानवा का युद्ध, और गागरोन का युद्ध, और वाड़ीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसियों को पराजित करते हुए अंग्रेज़ों ने सत्ता भारत में स्थापित कर दी थी। फिर यदि दो एक और भी इम्पोर्टेंट है वो है बक्सर का और प्लासी का युद्ध। बस ये कुछ एक युद्ध है जो मैंने आपको बता दिए, वो आपको पढ़ने हैं, तो आप देख लेना उन युद्धों में आपको करना क्या क्या है। एक तो दोनों तरफ के जो पक्ष है उनके जो लीडर हैं उनका नाम और सन कब लड़ा गया, बस ये आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद।